हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीजोन सो आज का जो टॉपिक है दोस्तों एज यू नो जो हमारा अभी समय टॉपिक चल रहा है मेन टॉपिक हमारा वेक्टर चल रहा है और वेक्टर में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ट्रिपल प्रोडक्ट ओके ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या है अभी तक हमने वैक्टर के दो वैक्टर के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है अब जो हमारा टॉपिक है वहाँ हम तीन वैक्टर के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे ओके सो राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ ट्रिपल प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट तो अब टॉपिक इस ट्रिपल प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट में होता क्या बच्चों दो प्रकार के ट्रिपल प्रोडक्ट हैं जैसे कि हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ते थे तो स्केलर प्रोडक्ट होता था और वेक्टर प्रोडक्ट होता था तो यहाँ पर भी वैसे ही दो प्रकार के प्रोडक्ट जनरेट होने वाले हैं फर्स्ट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओके क्या बोलेंगे इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ठीक है तो इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है इसे हम बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट क्या बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट जैसे आप वेक्टर के प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट को आप डॉट से दिखाते थे ऐसे यहाँ पे इसका नाम कर दिया गया है बॉक्स प्रोडक्ट बिकॉज आपके पास अगर तीन वैक्टर हैं वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी अगर तीन वेक्टर हैं तो इनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे दिस इज द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर ये दो वेक्टर तीन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है दिस इज द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर और रिजल्ट इसका जो बनेगा दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी बनेगी बेटा स्केलर क्वांटिटी बनेगी मतलब डायरेक्शन नहीं होगी है ना स्केलर क्वांटिटी होगी तो दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या बच्चों आप याद कर लो अगर कोई तीन वेक्टर आपके पास में है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है दिस इज इक्वल्स टू क्या करेंगे आप शुरू वाले का डॉट ले लीजिए और अंदर बी क्रॉस सी ऐसा ओके ए डॉट बी क्रॉस सी अब आप महसूस करिए इस बात को कि आपके पास वेक्टर है ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा और वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या निकलता है स्केलर क्या निकलेगा स्केलर तो फाइनली आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा स्केलर मिलेगा अब इसमें सुनिए केवल यही नहीं इसकी और वैल्यू भी हो सकती हैं अगर आप बी को बाहर ले रहे हैं डॉट तो अंदर क्या बनेगा सी क्रॉस ए और अगर आप सी को बाहर ले रहे हैं तो अंदर क्या बनेगा डॉट ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी बस आपको ऑर्डर मेंटेन रखना ऑर्डर यही रखिएगा ए बी सी कहीं पे भी देख लीजिए ए बी सी ओके फिर बी और सी मतलब ए बी सी अल्फ़ाबेट का ऑर्डर यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए सो दिस इज़ कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्लियर है चलिए इसकी एक तरीके से पहली प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई दिस इज प्रॉपर्टी नंबर वन फर्स्ट प्रॉपर्टी ठीक है साइक्लिक ऑर्डर आपको हमेशा मेंटेन रखना है अब देखिए कंपोनेंट के फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है तो इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट्स अगर आपके पास तीन वेक्टर दिए गए हैं और वो कंपोनेंट के फॉर्म में दिस इज़ फर्स्ट वेक्टर ए दिस सेकेंड वेक्टर बी और ये थर्ड वेक्टर आपका सी है ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ओके बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप एंड लास्ट सी वेक्टर इक्वल टू सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के तो जो बॉक्स प्रोडक्ट निकलेगा ए बी सी का ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कैसे लिखोगे इसको आप पहला कंपोनेंट वेक्टर का ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड एंड सी एक्स सी वाई सी जेड जो डिटर्मिनेंट आएगा वो एक स्केलर वैल्यू होगी एक मैथमेटिकल वैल्यू होगी तो ये कहलाएगा तीनों का आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ठीक है ना ए बी सी क्या कहलाएगा ये ए बी सी का बॉक्स ए बी सी का बॉक्स या तो आप इसको ये भी लिख सकते हो मैंने बताया अभी आपको कि बी सी ए भी लिख सकते हो ओके सेम वैल्यू है बी सी ए और यही वैल्यू किसके केक लाएगी सी ए बी का बॉक्स कुछ गलत नहीं है इसमें है ना मतलब आप कैसे भी कर लो ये देखा ना आपने ऊपर ए डॉट बी क्रॉस सी सो दिस इज़ वॉट ये तो बॉक्स ए बी सी है और ये क्या है इक्वल दिस इज इक्वल टू बी सी ए और ये क्या है सी ए बी सी ए और आपने ऑर्डर नहीं ब्रेक किया है तो ये सारी वैल्यूज़ इक्वल हैं ये सारी वैल्यू क्या है इक्वल है एक चीज़ और जानना जरूरी है कि सर अगर आपने ऑर्डर ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा अगर आपने ऑर्डर ब्रेक कर दिया जैसे मान लीजिए आपके पास में ए बी सी की वैल्यू सपोज के आ रही है कितनी आ रही है के देन एक शॉर्ट ट्रिक कह लो सीधे या रिजल्ट कह लो अगर आपने ऑर्डर बदल दिया बी ए सी ये लीजिए तो ये तो साइकिल ऑर्डर टूट गया भाई बी के बाद तो सी होना था अब ए पहले होना था तो ये साइकिल ऑर्डर टूट गया तो याद है आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस के क्या आएगी तो लाजवा प्रॉपर्टी अगर आप ऑर्डर ब्रेक कर रहे हैं तो आपका आंसर जस्ट नेगेटिव आ जाएगा क्या आ जाएगा जस्ट नेगेटिव क्लियर हो गया तो आप जो है यदि किसी भी प्रकार का आप ऑर्डर ब्रेक करते हैं तो वी कैन से हेयर प्रॉपर्टी नंबर टू आपके पास बॉक्स ए बी सी की जो वैल्यू है अगर मैं लिखूँ यहाँ बॉक्स ऑफ बी ए सी तो आपने ऑर्डर ब्रेक कर दिया है तो ये क्या होगी जस्ट इसकी नेगेटिव, क्या होगी जस्ट नेगेटिव, दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पे देखिए यदि आप यहाँ पे सी बी ए कर देंगे है ना सी बी एक्वल टू सी बी ए तो फिर आपने यहाँ पे ऑर्डर गलत कर दिया है तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा नेगेटिव क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव एक और मैं ले रहा हूँ बताइए ए सी बी बताइए सही है कि गलत है ये ऑर्डर गलत है तो क्या आएगा माइनस साइन ठीक है ना क्योंकि इसका जस्ट क्या रहेगा ये बेटा नेगेटिव रहेगा क्लियर कि नॉट क्लियर एनी प्रॉब्लम चलिए अब देखिए एक और प्रॉपर्टी होती है इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वो प्रॉपर्टी भी नोट कर लें आप लोग वो प्रॉपर्टी क्या है अगर कोई दो वेक्टर सेम हो, a ए बी आपको कुछ नहीं सोचना आंसर इसका कितना आएगा ज़ीरो आएगा कितना आएगा ज़ीरो क्यों आएगा ऐसे समझिए आपके पास वेक्टर ए है डॉट आप करोगे क्या ए क्रॉस बी क्लियर है तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर जनरेट होगा वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ए खुद उस प्लेन में बैठा है ये ए है और ये क्या है बेटा बी है तो जो जनरेट होगा वेक्टर बेटा ए क्रॉस बी वो ए और बी दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर अब तो परपेंडिकुलर वेक्टर का किसी के खुद के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल कितना हो जाएगा क्रॉस नाइनटी बोलिए सन तो आंसर इसका कितना बन जाएगा जीरो तो याद रखिए कि अगर दो वेक्टर सेम है ठीक है ना तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जीरो ठीक है क्लियर है हम्म और तरीका क्या है देखिए तो और किस किस तरीके से ये जीरो हो सकता है इस पर हम बात कर लेते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू जीरो आपको कब कब मिलेगा ठीक है ना तो पहला केस तो ये है फर्स्ट अगर इनमें से कोई एक वैक्टर जीरो हो जाए खुद में कोई एक वैक्टर क्या हो बेटा जीरो इफ वन ऑफ द वैक्टर इज जीरो वैक्टर अगर इनमें से कोई एक वैक्टर क्या होगा जीरो वैक्टर तो आंसर जीरो आ जाएगा ठीक है ना सेकेंड If एनी टू ऑफ द वैक्टर्स आर कोलिनियर कोलिनियर मतलब वही एक ही प्लेन में हो जाएंगे जब एक लाइन में है तो एक ही प्लेन में कहलाएंगे ना तो इफ टू ऑफ द वैक्टर आर कोलिनियर ऑब्लिक पैरल ऑब्लिक क्या बेटा पैरल क्यों भाई आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर पैरलिटी का केस होता है फॉर पैरलिटी इफ वैक्टर ए ज पैरल टू वैक्टर बी देन मैंने आपको सिखाया है कि बी वैक्टर इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स ऑफ ए वैक्टर बोलो होता कि नहीं होता बी इक्वल टू होता लेमडा टाइम्स ऑफ ए देन आपने निकालना है बॉक्स ए बी सी तो आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो ए की जगह ए पुट कर दो बी की जगह लैमडा ए पुट कर दो और यहाँ पे क्या है सी वैक्टर बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर लैमडा बाहर आ जाएगा बिकॉज कॉफिशेंट है वो तो एक ही बार मल्टीप्लाई दस बार तो होगा नहीं तो लैमडा बाहर आ गया वैक्टर ए वैक्टर ए वैक्टर सी आप देखिए ध्यान से इसका वैल्यू कितना आएगा जीरो क्योंकि दो वैक्टर सेम हो चुके हैं क्लियर हुआ ना hmm. तो दूसरा केस देखा आपने अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो या पैरेलल हो ओके okay. दो वेक्टर पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो आंसर क्या आएगा जीरो आएगा ठीक है देन अगर तीसरा केस है इफ इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर तो भी आंसर जीरो आएगा If three vectors vectors are coplanar, okay, then your answer will be zero. A, B, C, तीनों का आंसर कितना आएगा जीरो क्लियर चलिए अब इसका लॉजिक मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोप्लेनर होने पर आंसर इसका जीरो क्यों आता है अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो इसका आंसर ज़ीरो आता है ये भी आप देख लीजिए चलिए देख लीजिए मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन है ये एक प्लेन है मेरे पास और ये इसमें तीन वेक्टर है एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और इसी प्लेन में एक वेक्टर सी गया हुआ है लीजिए भाई तो एक बॉक्स ए बी सी यदि मैं फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी अब ध्यान से देखिए ए ये पूरे इसी प्लेन में बैठा है तो B क्रॉस C मतलब B को C की तरफ आप रोटेट करोगे तो कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा बोलिए सोनो yes. और ध्यान से देखिए इसका A के साथ एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री है कि नहीं है yes. तो जब cos 90 बनेगा A डॉट B के फॉर्मूले से तो ये आंसर कितना आ जाएगा ज़ीरो yes. क्लियर yes. हुआ कि नहीं हुआ ठीक yes. है अगला कंसेप्ट देखिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बच्चों yes. चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं अगला कंसेप्ट है नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ है वॉल्यूम ऑफ आप पैरलेलो पिप्ड ठीक है पैरलो पाइप्ड का वॉल्यूम अब पैरलो पाइप्ड क्या शेप होती है देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इरेजर रखा हुआ है तो इरेजर आपको क्यूबिकल शेप में दिखाई देगा क्यूबाइडल शेप में किस शेप में दिखाई देगा बेटा बडल सेप में दिखाई देगा अब क्या करो इरेजर को आप नीचे से चिपका दो गम लगा के ग्लू लगा के चिपका दो किसी सरफेस से और ऊपर वाली सरफेस पे आप प्रेशर डालो तो क्या होगा ये सब की सब ऐसे मूव कर जाएंगी बोलिए एसकिनो मूव कर जाएंगी कि नहीं कर जाएंगी और एक नई ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की आपको बनती दिखाई देगी बोलिए स्क्रीनो yes. हाँ कुछ एक नया इरेजर आपको नया वाला इस तरीके से बनता आपको दिखाई देगा जो अभी नया वाला आपका बन चुका है ठीक ना ये देखिए ये मैंने पुराना इरेजर मिटा दिया और नया इरेजर आपको बना के दिखा दिया बोले दिख रहा कि नहीं दिख रहा है कुछ इस तरीके का बनेगा मोर क्लियरली आप बुक में देखिए इसको जैसा बुक में बना हुआ है तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा इसको बोलते हैं हम पैरलोपेब ठीक है अब इसमें पैलो पिड में, में बेटा तीन एजेस हैं इसकी ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है तो ये लेंथ हो गई ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई दिस इज वेक्टर सी वेक्टर सी तो महसूस करिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही प्लेन में है मगर वेक्टर सी ऊपर जा रहा है जा रहा है तो बेटा ये पेललो पिड है तो इसका जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है वॉल्यूम इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये इसका वॉल्यूम होता है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इसका जो होता है वॉल्यूम होता है और साथ में आपको लगाना है वन बाई सिक्स क्या लगाना है नो 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 वन बाई सिक्स इसमें नहीं लगाना है ये पैरल उपिब का वॉल्यूम है किसका वॉल्यूम है बेटा कोई दिक्कत तो पैरेलो पिपड का वॉल्यूम अब अब ध्यान से देखो आप अगर आप कहो कि मैं ये साइड को इसको सामने मतलब अभी ऊपर है अगर आप इसको सामने की तरफ गिरा दोगे या नीचे करके जीरो ले आओगे इस इसी प्लेन में ले आओगे सी को इसको सामने की तरफ आप गिरा दोगे ऐसे सामने की तरफ तो फिर ये तीनों क्या हो जाएंगी कोप्लेनर क्या हो जाएंगी तीनों कोप्लेनर और कोप्लेनर हो जाएंगी तो क्या वॉल्यूम बनेगा नहीं बनेगा हवा भरेगी कहाँ कुछ नहीं तो इसलिए इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ज़ीरो तो अभी मैंने बताया था कि अगर तीन वैक्टर कोप्लेंर हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ज़ीरो कितना हो जाएगा वॉल्यूम जीरो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू जीरो क्लियर नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो आपको पता है टेट्राहेड्रन कुछ ज्योमेट्री ऐसे बनती है ये देखिए चार वर्टेक्स इसके होते हैं एक यहां जाता अंदर की तरफ ठीक है ये देखिए मान लीजिए वेक्टर ए ये वेक्टर अपना क्या है वेक्टर बी है ठीक है और ऐसे जा रहा है वेक्टर सी ठीक है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है आपको इसका वॉल्यूम निकालना है फॉर्मूला याद कर लीजिए वन बाई सिक्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का बॉक्स दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टेट्रा हेड्रन क्या है बेटा ये ओके वन बाई सिक्स वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी का बॉक्स क्लियर चलिए तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा पूरा फिनिश हो जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में केवल हमको इतना ही पढ़ना है अब इसके बाद लास्ट आता है हमारा बेटा जिसका नाम है वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ठीक है तो हमारा टॉपिक है नया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसमें हम वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट अपना क्या आएगा वेक्टर आएगा क्या आएगा बेटा वेक्टर तो इसकी डेफिनेशन याद करना आपके लिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है बेटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये देखिए ये तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट है तीनों में क्रॉस लगा हुआ है क्लियर तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं बेटा सबसे पहले एक का डॉट बनेगा सी के साथ सो दिस इज ए डॉट सी और बाहर कौन वेट करेगा वेक्टर बी वेट करेगा माइनस लगाइए फिर ए का डॉट किसके साथ बनेगा बेटा बी के साथ और बाहर कौन वेट करेगा सी ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज इसके बस सवाल इसी कॉन्सेप्ट से आएंगे सिंपल एकदम ठीक है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अगली प्रॉपर्टी देखिए ए क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अब देखो ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है अगर पलट देते हैं तो क्या आ जाता है नेगेटिव आ जाता है ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया तो B क्रॉस C क्रॉस A क्या होगा जस्ट नेगेटिव होगा क्या होगा जस्ट नेगेटिव होगा देन अब देखिए अभी आपने प्री मल्टीप्लाई किया है पोस्ट मल्टीप्लाई भी देख लीजिए आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ओके क्या हो जाएगा देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बी तो ए का सी के साथ करेंगे दूर वाले के साथ बी बाहर माइनस फिर क्या करेंगे बी का सी के साथ बी डॉट सी और कौन बाहर हो गया ए बाहर हो गया कौन सा बाहर हो गया ए बाहर. बाहर हो गया क्लियर है यस नेक्स्ट देखिए आप यदि कहें अगली प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है खतरे के निशान की प्रॉपर्टी इसलिए पिंक कलर से लिख रहा हूँ ए क्रॉस जैसे वहाँ होता था ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी नहीं ये अलाउड नहीं है मतलब एसोसिएटिव रूल इसमें अलाउड नहीं है ठीक है ना क्लियर नेक्स्ट अगला है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप तो ये क्या बन जाएगा आई कैप मल्टीप्लाई जे और के का प्रोडक्ट क्या होता है आई कैप होता है तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो कितना हो जाएगा जीरो ठीक है ना ज़ीरो वेक्टर लगा लीजिए तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू ज़ीरो वैक्टर क्लियर बन जाएगा अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे एक बात समझेंगे कि यहाँ जो वेक्टर आ रहा है जनरेट होकर के ये तो स्केलर बन जाएगा तो एक कैसा जनरेट होगा वेक्टर बी और वेक्टर सी के प्लेन में वेक्टर बी और वेक्टर सी के प्लेन में मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि अगर जब भी आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करते हो तो जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे जो भी वेक्टर आएगा तो लिखूंगा द जनरेटेड वेक्टर विल बी इन द प्लेन ऑफ बी वैक्टर एंड सी वैक्टर मतलब जो भी जनरेटेड वैक्टर होगा वो बी और सी के साथ प्लेन में होगा मतलब बी और सी के कोप्लेनर होगा बी और सी के क्या होगा कोप्लनर ठीक है ना तो क्योंकि जो डायरेक्शन मिलेगी ना वो बाद में बी और सी की डायरेक्शन में मिलेगी आपने देखा भी कि क्या हो जाता है ये ए डॉट बी कुछ पार्ट वैक्टर सी ले लेता है और माइनस ए डॉट सी कुछ पार्ट वैक्टर बी ले लेता ले है तो जो जनरेट होगा वैक्टर वो वैक्टर बी और वैक्टर सी के प्लेन में होगा सो दैट इट विल भी कोप्लेनर विद वैक्टर बी एंड सी सो गाइज दैट्स इट दिस इज द कम्प्लीट थ्योरी अबाउट द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वैक्टर ओके वी हैव क्लासीफाइड दिस प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर इन टू वेज वन इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अन अदर वन इज वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ओके सो इन द कमिंग क्लासेस वी इनकाउंटर विद अ गुड एग्जाम्पल एज वेल एज Few good questions of the vector triple product. Thank you so much. This is completion of the theory of the chapter vector.